विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर मार्ग में एक सुलभ शौचालय बनाया गया है जो कि पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ा है, जिसके कारण आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों नवरात्रों के चलते मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम होने की बात कही गई थी, लेकिन मंदिर मार्ग पर एकमात्र शौचालय बंद होने के कारण श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय दुकानदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार इस टॉयलेट के बंद होने का कारण चंद रोज पहले मंदिर मार्ग पर आए भूस्खलन को बताया जा रहा है। भूस्खलन के कारण मिट्टी का हिस्सा शौचालय की छत पर गिर गया था। आपको बता दें, ज्वालामुखी मंदिर में देश और विदेशों से श्रद्धालु आते हैं जो कि दान के रूप में कुछ न कुछ चढ़ावा मंदिर को चढ़ाकर जाते हैं। सालाना इस मंदिर में करोड़ों की आय होती है, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधाओं के प्रति मंदिर प्रशासन कितना सजग है आप इन तस्वीरों से अनुमान लगा सकते हैं। हाँ सर, जो मंदिर मार्ग के ऊपर जो टॉयलेट है वो बंद पड़ा है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? तो इसमें अभी पीछे बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा जोर की, तो ऊपर पहाड़ी से मलबा उसमें गिरा हुआ है, तो अगर उसमें दलदल जैसा बना हुआ है, तो अगर हम इसको हम उठाते हैं तो इससे और मलबा आने की संभावना है। इसमें हम मेले का जो चला हुआ है और बिजली से यहाँ ज़्यादा श्रद्धालु लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इस करके हम इसको नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे ही यहाँ से मेला परसों या दो या तीन दिन में खत्म होगा, उसके बाद हम ये कार्य शुरू करेंगे और इसका जो है नीचे से पाइप बनी तभी उसको निकालेंगे और पानी की सप्लाई जो है शुरू हो जाएगी। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ज्वाला जी से पंकज सोनी की रिपोर्ट।